दोस्तों आज की रेसिपी में बनाने जा रहे हैं क्रिस्पी वेज स्प्रिंग रोल। बहुत ही इजी रेसिपी है। वीडियो लास्ट तक देखें, पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दोस्तों इसके स्टफिंग के लिए जो हमने लिया है वो है पत्ता गोभी बारीक कटी हुई, साथ में हमने लिए हैं बारीक कटे हुए बीन्स, और साथ में हमने लिए हैं शिमला मिर्च कटी हुई और हरी मिर्ची और बारीक कटा हुआ प्याज। दोस्तों आप कुछ और एड ऑन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, स्टफिंग में आप पनीर भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल मेरे पास जो जो अवेलेबल था वो मैं कर चुका हूँ कट। तो दोस्तों स्टार्टिंग में तो आपको पहले इन सारी वेजिटेबल्स को आपको हल्का सा फ्राई करना है, जैसे कि कटी हुई शिमला मिर्च, इसे हल्का फ्राई करना है, ज़्यादा पकाना नहीं है दोस्तों, खाली फ्राई करना है। इसके बाद हम इसमें ऐड ऑन करेंगे कटी हुई बीन्स। बीन्स डालने के बाद भी हमें अच्छे से थोड़ा फ्राई करना है साथ में इसे। इसमें हम डालेंगे कटी हुई गोभी और उसे भी अच्छे से साथ में फ्राई करेंगे। दोस्तों ध्यान रखें ज़्यादा हमें पकाना नहीं है, जस्ट फ्राई करना है, चलाते रहिए साथ में मिक्सर को। हम ऐड ऑन करेंगे बारीक कटी हुई प्याज और अच्छे से इसे फ्राई करना है साथ में। और दोस्तों इसके साथ ही हमारी सब्जियां फ्राई होती हैं, इसमें हम मसाले ऐड ऑन करेंगे नॉर्मल से, जो बेसिक हमारे धनिया पाउडर, लाल मिर्च और हल्दी और सब्जी मसाला, यही हम नॉर्मल मसाले से यूज़ कर रहे हैं। मसाला डालने के बाद दोस्तों हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, जिस नॉर्मल सा मिक्स करना है और इसे निकाल देना है स्टफिंग के लिए। मसाला डालने के बाद अच्छे से चलाना है इसे, नमक थोड़ा स्वाद अनुसार हल्का सा, और आपको ज़्यादा स्पाइसी खाना तो ज़्यादा मसाले ऐड ऑन कर लीजिए। मटेरियल रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा सा कलर है और क्रिस्पी है। इसी को हम स्प्रिंग रोल में स्टफ करेंगे और इसके साथ ही हमें दोस्तों अब बारी है स्टफिंग के लिए सीट बनाने की, जो बनती है मैदे की, और उसको बनाने के कई तरीके हैं। नॉर्मल सा मैं तो सिंपल जो है वो यूज़ कर रहा हूँ तरीका, जिससे मैं सीट बनाऊँगा इसकी स्टफिंग सीट। तो उसके लिए दोस्तों मैदे को आपको अच्छे से गूंदना है, जैसे मोमोज के लिए बनाते हैं हम। आप चाहे तो हल्का सा ऑयल ऐड ऑन कर सकते हैं उसमें। दोस्तों ऑलमोस्ट हमारा मैदा लग चुका है इस तरीके से, और इसे थोड़ा टाइट घर में लगाना है, गोदना है, और इसके बाद हमें रोटी के शेप में हमें बेलना है इसे, जिसे हम स्प्रिंग रोल बनाएंगे इस तरीके से। जितनी थिन लेयर बनाओगे आप उतना ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा, तो हमें ट्राई करते हैं कि थोड़ा ज़्यादा इसे पतला बनाएं। और देखिए दोस्तों इसे इस तरीके से रोल करना है, एक साइड में आप लेके पहले मटेरियल सारा जो आपने बनाया स्टफिंग के लिए उसे लगाएंगे। स्टफिंग उतनी करिए जितने में आपका रोल का साइज़ है, और इसको दोनों साइड से इस तरीके से बैंड कर दें पहले,
और थोड़ा प्रेस करके उसे चिपका लें, और हल्का सा वाटर यूज़ कर सकते हैं आप इसको चिपकाने के लिए। और इस तरीके से इस साइड से रोल करना स्टार्ट करिए, और इस तरीके से रोल कर दें, और रोल करने के लिए प्लेट पे इसे रख दें, प्लेट पे रोल करने के बाद रख दें, दो चार बनाने के बाद हमें इसे फ्राई करना होगा। दोस्तों इस तरीके से आप आटा सॉरी मैदा आप यूज़ कर सकते हैं नीचे से ताकि चिपके ना, उसके ऊपर रोल किए हुए आपको रखना है। और सब तरह का मैं बाकी रोल्स भी तैयार कर लेता हूँ इसी तरीके से। तो दोस्तों आप चाहें तो रिफाइन ऑयल में इसे फ्राई कर सकते हैं, या फिर सरसों का ऑयल में, मैं नॉर्मली सरसों का ऑयल यूज़ करता हूँ तो मैं उसी में फ्राई करूँगा इसको। हाई फ्लेम में इसको फ्राई करने के लिए डालना है आपको, स्टार्टिंग में आपकी फ्लेम बहुत हाई होनी चाहिए, और उसके बाद नॉर्मल मीडियम फ्लेम में इसको आप फ्राई करें, और जब तक गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक इसको आपको फ्राई करना है, चलाते रहना है, एक साइड से ज़्यादा जलाना नहीं है, बराबर चारों तरफ से एक ही तरीके से पकाना है। अब देख सकते हैं अच्छे से फ्राई होने लगे हैं, कलर इसका चेंज होने लगा है। और दोस्तों आप चाहें तो इसको सर्व करने के लिए आप नॉर्मल से हरी चटनी या लाल चटनी का या केचप का यूज़ कर सकते हैं। ऑलमोस्ट स्प्रिंग रोल हमारे रेडी हो चुके हैं। अब दोस्तों इसको अच्छे से बाहर निकाल लेते हैं, ऑयल इसका अलग ड्रेन करके फॉइल पेपर का यूज़ कर सकते हैं आप इसमें। दोस्तों काफ़ी यमी से क्रिस्पी से बने हैं, और अब बारी आती है इसे कट करने की। से आप छोटे छोटे साइज़ में आप क्रॉप कर सकते हैं इसको, ताकि खाने में इजी रहे और थोड़ा बेटर लुक दे। इस तरीके से आप स्प्रिंग रोल को काट लें। अब देखिए काफ़ी अच्छी स्टफिंग हुई है, और सारी तरह चारों तरफ से पका हुआ है अच्छा सा स्प्रिंग रोल। अब दोस्तों बारी है गार्निश करने की, आप चाहें तो किसी तरीके से गार्निश कर सकते हैं। मैं नॉर्मली इसमें मैंने गोभी के पत्ते यूज़ किए हैं, साथ में मैं खीरे का भी यूज़ करूँगा इसके साथ, स्नैक्स में यूज़ होगा जो। तो दोस्तों ज़रूर ट्राई करें एक बार घर पे इस रेसिपी को बनाने की, बहुत क्रिस्पी रेसिपी है, काफ़ी पसंद आएगी आप लोगों को। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, और मुझे अपने फीडबैक देते रहें। तो इस तरीके से गार्निश कर रहा हूँ मैं इसको। भी इस तरीके से घर पर वेज स्प्रिंग रोल बना सकते हैं, काफी मजेदार रेसिपी है और काफी इजी रेसिपी है, बहुत नॉर्मल से इंग्रेडिएंट्स के साथ तो काफी यम्मी बने हैं, काफी क्रिस्पी हैं, क्रंची हैं। जरूर ट्राई करें अपने घर पे बना के।